तो लोकी मार्वल की पहली डिज्नी प्लस सीरीज है जिसको अपना सीजन 2 मिल रहा है और वो भी पूरे मल्टीवर्स सागा के मेन विलन के साथ है। इवन एक विलन नहीं बल्कि ढेर सारे। लोकी का सीजन 2 इसी साल समर में रिलीज हो जाएगा और जिस क्लिफहैंगर पर सीजन 1 एंड हुआ था सीजन 2 में उसी को एक्सप्लोर किया जाएगा। साथ ही कुछ नई चीजें और नए कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जैसे शायद हमें ये पता चले कि टीवी कहां पर है और वो कैसे काम करती है। और कुछ रूमर्स और लीक के अकॉर्डिंग है हमें एक टाइम लूम नाम का नया कॉन्सेप्ट भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस नए सीजन में पहली बार पता चलेगी। तो चलिए इन सब को जानते हैं और ये भी कि कैसे सीजन 2 एमसीयू को इंपैक्ट करेगा और स्पेशली कैंग के लिए क्या प्लान्स हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हमने सीजन 1 के एंड में देखा था कि लोकी के रोकने के बावजूद भी सेल्वी ही ह्यू रिमेन्स को मार देती है और उसके रिजल्ट में अल्टरनेट टाइमलाइंस बन जाती है और मल्टीवर्स फॉर्म हो जाता है और इसलिए अब टीवीए को ही ह्यू रिमेन्स के बाद है उसी का एक ईवल वेरिएंट रूल कर रहा है जो डेफिनेटली अल्टरनेट ब्रांचेस को नहीं रोकने वाला क्योंकि वो ही ह्यू रिमेन्स की तरह अच्छा नहीं है। साथ ही लोकी फिलहाल टीवीए में है जहां पर सभी का ब्रेन वॉश हो चुका है क्योंकि मोबियस और B15 को लोकी के बारे में कुछ नहीं पता। अब यहीं से लोकी सीजन 2 स्टार्ट होगा जहां सबसे पहली चीज तो यही कि लोकी मोबियस को पिछली मेमोरीज कैसे याद दिलाएगा। अब यहाँ ऐसा पॉसिबल है कि ये मोबियस का कोई दूसरा वेरिएंट है जबकि पहले वाला मोबियस है अभी भी कहीं पे एग्जिस्ट करता है और वो हो सकता है कि अर्थ 2018 में हो क्योंकि B15 लास्ट टाइम वहीं पर दिखी थी और वहाँ पर जज रेंसलेयर का एक टीचर वेरियंट भी होता है। तो मोबियस जो रोवोना को रोकना चाहता था वो उसके टीचर वेरियंट के पास जा सकता है। यानी लोकी फिलहाल टीवीए में है जबकि मोबियस और B15 एक अलग टाइमलाइन में है। साथ ही सेल्वी भी एक अलग टाइमलाइन में हो सकती है क्योंकि लीक इमेजेस से हमें ये पता है कि सेल्वी 70s के टाइम पीरियड में रह रही है और वहाँ से उसे लाने जाएगा लोकी शायद मोबियस के साथ है क्योंकि उसे ही ह्यू रिमेन्स के वेरिएंट को रोकना है जो कि कोई एक दो नहीं बल्कि इनफिनाइट है। साथ ही उन्हें रोवोना रेंसलेयर को भी ढूंढना है क्योंकि शायद वही जानती है कि एक्चुअली ये मल्टीवर्सल पंगा कैसे खत्म हो सकता है और इन कैंग वेरिएंट्स को कैसे रोका जा सकता है। ऊपर से शायद आपको ये ना पता हो पर ही ह्यू रिमेन्स अभी भी जिंदा है क्योंकि उसी ने कहा था कि अगर वो मारा जाएगा तो फिर से मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट हो जाएगा और वो वापस यहीं पे आ जाएगा। यानी जैसे दूसरे कैंग वेरिएंट्स मल्टीवर्स के साथ एग्जिस्टेंस में आ गए वैसे ही ह्यू रिमेन्स भी जिंदा हो गया और हो सकता है कि रोवोना रेंसलेयर ही ह्यू रिमेन्स के पास ही गई हो क्योंकि ही ह्यू रिमेन्स ये जान गया है कि सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, इन दी एंड वो मारा ही जाएगा और फिर से सब कुछ वैसा का वैसा हो जाएगा और इसलिए अब वो रोवोना के साथ रहना चाहता है। तो वहीं लोकी और सेल्वी अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे कैंग वेरिएंट्स को रोककर और ये चीज तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो चुकी है कि कैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स हमें इस सीजन में दिखने वाले हैं जिनको जोनाथन मेजर्स ही प्ले करेंगे। साथ ही हाल ही में ये रिपोर्ट्स भी आई कि इन्वेटर कैंग भी हमें इस सीरीज में दिखेगा। ये चीजों को बाय करेगा पास्ट में जिससे फ्यूचर इंपैक्ट हो जाएगा। अब कॉमिक्स में ऐसे काम कैंग का एक वेरिएंट करता है जिसका नाम विक्टर टाइमली होता है और इसकी खास बात ये है कि ये टाउन ऑफ टाइमली बनाता है जिसे बाद में कैनोपोलिस के नाम से जाना गया। तो सीरीज में इस कैंग का काफी इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे कैंग हमें दिखने वाले हैं तो यहाँ कोई एक कैंग डोमिनेट नहीं करेगा सिवाय स्टैचू वाले कैंग के क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग है उसे सुप्रीम कैंग कहा जाएगा। खैर लोकी सीरीज के सीजन 2 में इन सब के अलावा टीवीए को भी और ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है, जैसे उसे कैसे बिल्ड किया गया था और वो कैसे काम करती है। साथ ही ऐसा भी माना जा रहा है कि एमसीयू में टीवीए ही कैंग की कैर्नोपोलिस सिटी होगी। यानी ये नया कैंग टीवीए को कहीं पे भी ले जा सकता है, उसे मूव कर सकता है, इसलिए टीवीए किसी भी पर्टिकुलर जगह पे नहीं है। साथ ही ये नया कैंग टीवीए में कुछ नए इन्वेंशन भी करेगा जैसे टाइम लूम। अब ये क्या होगा ये तो नहीं पता पर डेफिनेटली ये टाइम को मैनिपुलेट करने का कोई नया तरीका होगा। यानी ओवरऑल लोकी और सेल्वी कैंग के वेरिएंट्स के साथ क्या करेंगे इस पे एमसीयू का भविष्य टिका हुआ है क्योंकि टीवी और द वॉइड मल्टीवर्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट जगह है जो कि लोकी सीरीज में दिखाए जाएंगे। साथ ही कैंग डायनेस्टी का मेन विलन कौन होगा ये भी हमें इस सीरीज से पता चल सकता है। साथ ही डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के क्रॉसओवर है और फैंटास्टिक फोर जैसी मूवी के इवेंट भी इस सीरीज से कनेक्टेड हो सकते हैं। यानी आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे पहले सीजन ने मल्टीवर्स को क्रिएट किया तो सीजन 2 उसे ही ग्रैंड लेवल पर लेकर जाएगा जिसका रिजल्ट है हमें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दिखेगा।